वहीं जहां सरकार अपना काम करेगी वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का भी हमारा संगठन पर्व चला हुआ है। और 21 अक्टूबर 1951 को जो भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के रूप में जो स्थापना हुई थी, कल 21 अक्टूबर को भी वही संगठन पर्व की बैठक हमारी केंद्रीय कार्यालय में हुई। उसमें भी हरियाणा प्रदेश में अभी हम, क्योंकि हरियाणा में चुनाव थे तो जो हम सदस्यता अभियान हरियाणा में शुरुआत नहीं हुई थी उसकी प्रक्रिया को भी हमने शुरुआत की है। जिला के अंदर भी जिला की टोली का गठन करते हुए 4 सदस्यीय टोली रहेगी। उसके बाद प्रत्येक मंडल में जो 313 मंडल हैं उनमें भी 3 सदस्यीय सदस्यता अभियान की टोली रहेगी। और जो हमारे 4300 शक्ति केंद्र हैं उन शक्ति केंद्रों पर भी 2 सदस्यों की हमारी ये सदस्यता अभियान की टोली का गठन होगा। और प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। इस विजन के साथ हमने जो अपना लक्ष्य रखा है 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में बने, ये एक लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमने रखा है। और इस काम को पूरा करने के लिए पहली बैठक हमारी 26 तारीख को, जिसमें हमारे सभी सांसद विधायक और चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशी, सभी मेयर, सभी चेयरमैन, जिला परिषद के चेयरमैन और जो हमारी जिलों की टोली बनेगी वो सभी सदस्य इस प्रकार से एक बैठक 26 तारीख को रोहतक में भी रहेगी। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर 2 दिन तक प्रत्येक जिले में भी उस प्रकार की हमारी बैठकें रहेंगी। और दीपावली के बाद 5 तारीख को और 6 तारीख को हम अपना सदस्यता अभियान की शुरुआत हरियाणा प्रदेश में करेंगे। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी मजबूती के साथ, जिस प्रकार से स्पष्ट बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी है, इसी प्रकार से संगठन को भी मजबूत करने का और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को काम, सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देते हुए हम इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये जो कांग्रेस का प्रश्न आप रोज कर देते हो और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी आज बीमारी की हालत में है। और मैं सलाह दूंगा, आपके माध्यम से दूंगा कि उनको सलाह दें, वो अच्छे किसी डॉक्टर से अपना इलाज कराएं, अच्छा ट्रीटमेंट लें और मानसिक रूप से ये जो बीमारी, कभी अधिकारियों पर आरोप लगाना, कभी EVM पर आरोप लगाना और अपने काम को ठीक ना करना, जनता पर भरोसा रखना लोकतंत्र की पहली पहचान होनी चाहिए। और हमने लोकतंत्र के सम्मान किया है।